अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट आफिया हुसैन और आप देख रहे हैं MTS न्यूज़ नेटवर्क। आइए बढ़ते हैं खबर की जानिब। खबर है राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद से। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद में एक कत्ल की वारदात पेश आई। फिश बिल्डिंग ख्वाजा होटल पिलर नंबर 248 के करीब तकरीबन रात के 11:30 से 12 बजे के दरमियान एक कत्ल की वारदात पेश आई, जिसमें 3 अफराद की जानिब से एक खलील नामी शख्स की बहुत ही बुरी तरह से सड़क के बीचों बीच बड़े ही बेरहमाना तरीके से हॉकी स्टिक्स और हथियारों से मारते हुए देखा जा रहा था। तफसीलात से पता चला है कि मख्तूल सुलेमान नगर के AIMIM के एक्टिव लीडर बताए जा रहे हैं। राजेंद्र नगर पुलिस टीम ने मौके वारदात पर पहुंचकर नाश को बगर्ज़े पोस्टमार्टम उस्मानिया के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया और एक केस दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात का आगाज़ भी कर दिया है। राजेंद्र नगर ACP संजय कुमार ने मीडिया से मुखातिब होकर कहा कि इनकी जानिब से तीनों कातिलों की तलाश शुरू कर दी गई है और ये तयखुन दिलाया कि जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाएगी। शहर में आए दिन कत्ल की वारदातें रोनुमा होती ही जा रही है, जैसे लोगों को कानून और पुलिस की कोई परवाह ही नहीं। लोग छोटी छोटी सी बातों पर भी कत्ल जैसे संगीन जराइम अंजाम दे रहे हैं, लिहाजा पुलिस को चाहिए कि ऐसे कातिलों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए इन्हें कड़ी से कड़ी सजाएं दें। पेश है हमारे नुमाइंदा रिपोर्टर मोहम्मद रियाज, कैमरामैन कलीम की MTS न्यूज़ नेटवर्क के लिए खसूसी रिपोर्ट। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन पिलर नंबर 248 PVNR एक्सप्रेस वे के बगल में HF कन्वेंशन के सामने लगभग 11:30-12 बजे रात को एक मर्डर हुआ था। इसमें 3 आदमी, एक खलील बोल के MM पहाड़ी में रहने वाला है, रियल एस्टेट बिजनेस करते हैं, उनको मर्डर किया है। वो 3 आदमी के लिए हम तलाश कर रहे हैं। अभी क्लूज टीम और नाइट ऑफिसर्स पूरा विजिट करके क्लूज वगैरह कलेक्ट करके बॉडी को शिफ्ट किया है उस्मानिया हॉस्पिटल। और अभी हम वो जो 3 आदमी हैं और जिसने उसको मर्डर किया है उनके लिए तलाश कर रहे हैं, रात तक उनको भी पकड़ के गिरफ्तार करेंगे। सर, आए दिन ऐसे कई मर्डर होते जा रहे हैं, सर आप क्यों एक्शन? अभी हम देखना पड़ेगा कि कुछ फैमिली इशू है, नहीं तो कुछ और इशू है। ये तो रियल एस्टेट का लीडर है, बात सही है सर? बोल रहे हैं कि MM पहाड़ी का MM का ब्लॉक लीडर है, तो हम पूरे हर कोने से हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट का इशू है, नहीं तो कुछ और इशू है। सर, और पार्टी दुश्मनी भी हो सकती क्या सर? हम पूरे हर एंगल से हम वेरीफाई कर रहे हैं कि ये रियल एस्टेट का इशू है, नहीं तो पॉलिटिकल इशू है, नहीं तो कोई फैमिली इशू है। और रात तक वो तीनों को भी गिरफ्तार करेंगे। थैंक यू। ओके सर।